आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारे पास में एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज एज ऑफ राहुल आफ्टर 2 इयर्स। और इस क्वेश्चन के साथ में हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। इन स्टेटमेंट में से हमें देख के ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हमारे क्वेश्चन को आंसर करने में कैपेबल है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है, एवरेज एज ऑफ अरुण एंड नीरज इज 24 इयर्स एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल टू अरुण इज 2:3। एंड स्टेटमेंट सेकंड हमें गिवन है, नीरज इज 4 इयर्स एल्डर देन सतीश एंड रेशियो ऑफ सतीश टू राहुल इज 1:2। देखिए, क्वेश्चन में हमसे राहुल की एज पूछी गई है आफ्टर 2 इयर्स। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है अरुण और नीरज की एवरेज एज 24 इयर्स और राहुल और अरुण की एज का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 2:3। स्टेटमेंट सेकंड में हमें गिवन है कि नीरज जो है वो 4 इयर्स एल्डर है सतीश से और सतीश और राहुल की एज का जो रेशियो है वो रेशियो 1:2 है। तो देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट हम टोटल एज निकाल सकते हैं अरुण और नीरज की। टोटल एज कितनी होगी? टोटल एज ऑफ अरुण एंड नीरज देखिए, दो लोगों की एवरेज एज हमें 24 गिवन है, तो यानी कि 24 × 2 जो होगा वो हमारी टोटल एज होगी इन दोनों की। तो 48 इयर्स हमारी टोटल एज हो गई अरुण और नीरज की। अब हम स्टेटमेंट सेकंड में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके रिगार्डिंग सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम सेकंड अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सतीश की एज को एक्स लेट कर लेते हैं। लेट सतीश एज इक्वल्स टू एक्स इयर्स। तो हमारी नीरज की एज कितनी हो जाएगी? नीरज एज इक्वल्स टू, देखिए नीरज जो है सतीश से 2 साल बड़ा है, तो एक्स प्लस 2 इयर्स। तो हमारी राहुल की एज कितनी हो जाएगी? राहुल एज अब देखिए सतीश और राहुल की एज का हमें रेशियो गिवन था, वन रेशियो टू। तो अगर सतीश की एज जो है एक्स ईयर्स है तो हमारी राहुल की एज क्या हो जाएगी? 2x। तो 2x ईयर्स हमारी राहुल की एज हो गई। तो हमारी अरुण की एज क्या हो जाएगी? अरुण एज इक्वल्स टू, अब देखिए राहुल की एज हमारी 2x है और हमारा रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल एंड अरुण गिवन था 2:3। तो हमारी अरुण की एज हो जाएगी 3x ईयर्स। नीरज हमारा 4 इयर्स एल्डर था सतीश से, हमने यहां पे गलत लिख दिया है 2 इयर्स। यहां पे हमारा क्या आना चाहिए? 4 इयर्स आना चाहिए। तो x प्लस 4 इयर्स नीरज की एज होगी, तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो x प्लस 4 इयर्स नीरज की एज हुई। तो देखिए हम स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? अरुण की एज 3x प्लस नीरज की एज x प्लस 4। इनका जो एवरेज था वो 24 के इक्वल दे रखा था हमारे क्वेश्चन में, तो 4x प्लस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 48 के, और x इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 11 इयर्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा कि राहुल की एज जो है अब से 2 साल बाद क्या होगी, तो 2x तो हमारी राहुल की एज प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट एज राहुल की क्या होगी? 2 × 11 यानी कि 22 इयर्स। और इसमें अगर हम 2 इयर्स को ऐड कर दें तो वो राहुल की 2 साल बाद की एज हो जाएगी यानी कि 24 इयर्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर जो है दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।